पहले इधर दो। तुझे खाना ना मिले तो बेहतर है, जो काम करेगा उसे पहले मिलेगा। ए! यहाँ डाल। मेरी थाली में डाल। मैंने बोला ना डोसा मेरा है, मेरी थाली में डाल। देता है कि नहीं? अरे, छोड़। अरे खा। तू क्या गुंडा है क्या बे? मर जा, चल। तू अब एक मिनट भी यहाँ नहीं रह सकता, निकल जाए यहाँ से। कहाँ ना जा, मर कहीं। गलती मेरी थी कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो निकम्मा है, खूनी है। निकल जाए यहाँ। मेरी मदद करो भैया, यह हर रोज नई मुसीबत खड़ी कर देता है। इस घर में मेरी एक भी नहीं चलती है, और ये लड़का तो इतना नालायक है ना कि पूछो मत। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, इसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हो। तुम फोन दो उसे, मैं बात करता हूँ। मेरा बच्चा, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ मामा, माँ ऐसे ही ड्रामा कर रही है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती है क्या? अपने भाई को इस तरह से कोई मारता है क्या? अरे खाना नहीं मिला इसलिए उसके सर पे बोतल मार दी। सुनेगा या वहीं ध्यान दे रहा? बोलो ना मामा। बेटा ये सब बातें छोड़ और चुपचाप अपना सामान बांध और मेरे पास आ जा। जिंदगी में कुछ करना है तो ये सब मत कर, समझा के नहीं समझा? जो आप बोलो मामा। बॉल दे दो। आया तुम्हारा निकम्मा भांजा, आते ही बच्चे इसके फैन हो गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा इसने अपने भाई के सिर पर बोतल से मारा। तुम्हारी नौटंकी बहन ने प्लान बनाया होगा इसे यहाँ भेजने का। चुप करो, मैं अपने भांजे को अच्छी तरह जानता हूँ। इतने सालों से देख रही हूँ लाडली बहन के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते। आ गया तू, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ बेटा। मामा वो क्या हुआ कि? कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मामी ने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाया है, पहले नहा लो फिर खाओ। हाँ, ये बातें बाद में करेंगे, जाओ बेटा। बेटा तुम इंस्पेक्टर साहब के घर आए हो? हाँ, क्या? अच्छा, तुम मदुरई के रहने वाले हो क्या? हाँ, पापा की पोस्टिंग वहीं थी तो उधर ही सेटल हो गए। कहाँ तक पढ़े हो बेटा? जाओ बेटा, आंटी से बात कर रहा हूँ ना, बीएससी केमिस्ट्री आंटी। अच्छी बात है, कितने परसेंट मिले थे तुम्हें? 82% आए। आजकल छोटे शहरों के लड़के बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं बेटा, और हमारे शहर के लड़के मजनू लैला खेलने में ही लगे हैं, पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं देते। 18 पेपर्स में से 15 में तुम्हें अंडा मिला है, ऐसे ही चलता रहा तो क्या करोगे? इतने अच्छे मार्क्स मिलने पर भी तुमने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? बाहर गांव जाके मेडिकल पढ़ना, इसलिए तो चेन्नई आया हूँ। सीधा खड़ा रह नहीं तो हड्डियाँ तोड़ दूंगा। आज के बाद सीधा चलेगा नहीं तू। अरे मणि क्या करे, जल्दी कर गोल्फ की उंगली। आंटी वो वहाँ क्या खेल रहे हैं वो लोग? बेटा इस खेल को गोल्फ कहते हैं, ये खेल रईस लोग खेलते हैं। पर इधर से तो सब लोग छोटे लोग लग रहे हैं। ये लो इससे देखो तुम, सब लोग पास और साफ दिखाई देंगे। तो मैं सुनो,
ये पैसे रखो और घर जाओ। ओके सर। थोड़ी प्रैक्टिस कर ले। मणिकम आकर खाना खा लो। हाँ आया मामी। अंकल अभी बिजी है, कल खेलूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है? पहले तो गोल्फ खेलो कहकर ये बहुत परेशान करती थी, लेकिन आप पीछा छोड़ दिए। दोस्त सच कहूं तो मुझे स्टिक पकड़ना तक नहीं आता। इस खेल के बारे में कुछ नहीं जानता मैं। हाँ पर एक बात है, अब ये स्टिक बहुत अच्छा पकड़ती है। इसका निशाना पहले से काफी अच्छा है। थोड़ी देर रुक कर इसका खेल देखना चाहोगे? अरे भाई मुझे तो माफी कर दो, मेरी बिजनेस मीटिंग है। 6:30 बजे एक टीम मीटिंग है, 7:30 बजे मेरी 300 CR की टीम। 50% मेरे हुए। 50% क्यों, पूरा ही रख लो दोस्त। अच्छा मुझे लेट हो रहा है। अच्छा गोल्फ के बाद डिनर के लिए ताज चलोगे ना? यस श्योर। तो ठीक है वहीं मिलते हैं। ए जूनियर अंकल के साथ रहना, तुम भी सीख जाओगे। अरे नहीं, इस खेल में बच्चों को अलाउ नहीं करता। मैं वैसे भी कविता को स्विमिंग के लिए ले जा रही हूँ, तो ये भी चलेगा हमारे साथ। गुड आइडिया। आओ बेटा। हाँ, आराम से। चलो अंदर बैठो। बैठो। सी यू। या बाय। चलती हूँ। बाय। अंजलि देर हो जाएगी इसलिए सीधा डिनर पर मिलना। आई विल कॉल यू। बाय। कल रात मुझे नींद नहीं आई। ऐसे बाहर रोमांस करने में और कमरे में रोमांस करने में बहुत फर्क है। माय गॉड, तुम्हारे साथ बिताए हुए हर पल की खुशबू अभी तक मेरे साथ लिपटी हुई है। आई लव योर कंपनी। नाइस वन। मेरा शॉट पहले से काफी अच्छा हो रहा है ना? सुनो कम आर्मुगम, मैं जाऊंगा तो ठीक है सर, लाइट स्विच ऑफ कर दूंगा। जी सर। ये रख लो। ठीक है मैं जाता हूँ सर। रुक जा नहीं तो बहुत पछताएगा तू।
ए, रुक, रुक! ए, 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 अरे प्लीज सुन, बात सुन, अरे रुक! क्या हुआ डाली, नींद नहीं आ रही है क्या? तुमसे कितनी बार कहा मैंने थोड़ा मेडिटेट कर लिया करो, पर तुम वो क्या मानती ही नहीं। थोड़ा हल्का महसूस करोगी और लेटते ही और नींद आ जाएगी। कल से मेरे साथ मेडिटेट करना, अब देखो कैसे एक मिनट में नींद आ जाती है मुझे। जय स्वामी जी। पैसे चाहिए तुम्हें? वो टेप मुझे देने के लिए कितने पैसे चाहिए? 5 लाख? याद रखना, तुम्हारे जैसा इंसान सारी जिंदगी एक पैसा नहीं कमा पाएगा। 10 लाख चाहिए? तेरे जैसा नालायक लड़का अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। 20 लाख? तुम जैसे निकम्मे लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, दे दिया। 50 लाख? आखिर तुम चाहते क्या हो, बताओगे मुझे? तुम मेरा स्टेटस जानते हो, तुम मुझसे और पैसे निकलवाना चाहते हो ना? ये मैं होने नहीं दूंगी। हे प्लीज, आई एम सॉरी। अरे सुनो, मेरा मतलब तुम्हें नीचा दिखाने का नहीं था। कितने पैसे चाहिए तुम्हें, मुझे प्लीज खुलकर बताओ। मेरे को पैसा वैसा नहीं चाहिए। तुझे मांग लूंगा इस बात का डर है क्या? अपने शौक अलग है। तुम जैसे लोगों के लिए बदन की हवस ही सब कुछ होगी, मगर मेरे लिए दिल के रिश्ते सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। 1 करोड़? तो फिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? मुझे अपनी पूरी जिंदगी रईसों की तरह बितानी है। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे पति के बारे में अच्छे से पूछताछ की। पिछले 7 सालों में तुम्हारे पति ने 600 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो। पता नहीं भगवान की पूजा करता है या नहीं करता है वो, मगर हर बिजनेस डील से पहले तुम्हारी पूजा जरूर करता है।
उसने तुमसे शादी इसीलिए की क्योंकि वो तुम्हें अपने किस्मत की चाबी मानता है। दूध वाले के हिसाब से लेके बैंक के हिसाब किताब तक हर चीज में तुम्हारे साइन के बिना कोई काम नहीं हो सकता। इतने महान आदमी के पीछे ऐसे काम करने चाहिए तुम्हें? मैडम, मेरे हाथ में तो हीरे का अंडा देने वाली मुर्गी फंस गई है। अब भला 1 करोड़ रुपए की मामूली रकम के लिए मैं उसकी गर्दन क्यों काटूंगा? अब मेरा प्लान सुन। मेरी जिंदगी में होने वाला सारा खर्चा तुम उठाओगी। सर पे हाथ नहीं रखते मन की मुराद पूरी नहीं होती। क्या है कि मैं 60 या 70 साल तक जीऊंगा, मेरा अच्छा ख्याल रख लेना। और क्या, अभी मेरे को थोड़ा एडवांस मिल जाता तो मैं अपने रास्ते पर निकल जाता। अरे वाह, इतनी बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए तूने बैंक लूटा क्या? लगता है इसकी लॉटरी लग गई है। भाई तेरे उल्टे सीधे काम के चक्कर में हम तो जेल में नहीं जाएंगे ना। भाई ये कह रहा था कि तेरे लफड़ों के लिए पुलिस हमें तो नहीं पकड़ेगी ना। सालों, उसने जो किया सो किया, अभी पुलिस छोड़ मजे ले। अरे भाई लोग, मैं इस वक्त कुछ सोच रहा हूँ। मनी गांव के कपड़ों में रईसों के खेल खेलेगा तो कैसा लगेगा? क्या इतना दांत दिखा रहे हो बे? खेलोगे क्या? आओ आके खेलो ना। हाँ, खेल के दिखा। जा भाई दिखा दे। अरे ये तो मेरे भाई भाई हाथ का खेल है। मार के दिखा, मार के दिखा। क्या हो गया, हवा निकल गई? बस बातें ही करता रहता है तू। इसे मैंने कई बार देखा है, क्या कर रहा है ये? रुको रुको बेटा, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। बस 5 मिनट में गया और 10 मिनट में आया। ओके, कहाँ जा रहे हो अंकल? नहाने जा रहा हूँ। घड़ी घड़ी यहाँ क्या करने आता है तू? वो मेरे को एक बीमारी है। कौन सी बीमारी? कंचनजंगा माँ की गंगा। क्या मतलब? ऊंची जगहों पे चढ़ के थूकने की। थूकने की बीमारी? नंगे से पंगा बेटा, अभी इस गंगे का पता लगाता हूँ। आंटी, वॉचमैन टंकी में नहा रहा है। टंकी में वॉचमैन नहा रहा है। भाभी जी, पिछले 10 सालों से मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। आप लोगों से ये किसने कहा कि मैं पिछले 10 सालों से यहाँ ना आ रहा हूँ? वो तो मैंने अपने कानों से सुना है। अरे अपने कानों को ध्यान से देखो बहन जी, इतने बड़े बड़े लटकार रखे किधर से सुनाई देगा? तुमने गलत किया, निकलो यहाँ से। आप मुझे जाने के लिए कैसे बोल सकती है? इन्हीं हाथों से आपने रोटियां फेंक फेंक के कुत्तों की तरह मुझे खिलाया, ऐसे मत करो। 2x2 भाभी, याद है आपको इतना बड़ा चिकन चाहिए था, फ्राई करना था उसे, गली गली दौड़ा, खेत खेत दौड़ा, लेकिन वो मैं था जो उसे पकड़ के लाया, लेकिन आपने एक टुकड़ा भी नहीं दिया, और आज मुझे जाने दो। जाओ 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 जाओ। What? एक हफ्ते में उसने 22 लाख मांग लिए? तुम पागल हो क्या? 10,000 में मैं उसका मुंह फोड़वा दूं, 20,000 में हाथ पैर तोड़वा दूं,
और 50,000 में गेम खत्म। इतनी मामूली बात के लिए तुम इतने पैसे बर्बाद कर रही हो? यू जस्ट से यस, मैं उसे खत्म करवा दूंगा। हेलो। अरे तुम कब आए? 5 मिनट्स बैक। हे, आज जल्दी ऑफिस के लिए निकल गए। मीटिंग मीटिंग मीटिंग, पैसे के पीछे कितना भागोगे? अरे तुम तो बिल्डर हो यार, एक बिल्डिंग बना ली तो पैसे अंदर। मैं इतना लकी नहीं हूँ। अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकालो। हमारी मैडम को फोन देना। हाँ बोलिए। अच्छा डार्लिंग, तुम गोल्फ खेलने कितने बजे जा रही हो? आज मैं नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ डार्लिंग? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे बाप, क्या हुआ तुम्हें? गर्दन में दर्द हो रहा है। मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं घर पे आराम कर लूंगी। तो मेरा काम में मन ही नहीं लगेगा। रमेश को फोन देना। ये लो बात करो। हेलो रमेश, ऐसा क्या सिखा दिया जो गर्दन में दर्द हो रहा है? यूं ही खेलने में खींचा होगा। मेरी वाइफ किसी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रही, इतनी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। मेरे लिए रूपा इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज उसका ध्यान रखना। हाँ जरूर, आओ पति की इच्छा पूरी कर दूं। नो, एक हफ्ते से ये बात मुझे खाए जा रही है। बात क्या है? बस बहुत हुआ रमेश, एक ब्लैकमेलर भी ये कहता है कि तन की हवस से बढ़कर दो आत्माओं के बीच प्रेम और दिलों का रिश्ता होता है, और हम जैसे सभ्य लोग इतनी बड़ी गलती करते हैं। एक बार जो किया वो गलती है, और जो बार बार होता है उसे कहते हैं प्यार। ये कोई प्यार व्यार नहीं है रमेश, हम दोनों को ये भूल जाना चाहिए। भूलना इतना आसान नहीं है। तुम्हारी मीठी खुशबू, तुम्हारे बालों की घटा, इनका नशा हो गया है। मैं जानता हूं तुम परेशान हो, उस ब्लैकमेलर के रास्ते लगाता हूं। चल गाड़ी में बैठ, तुझसे कुछ बात करनी है। क्यों, क्या बात है? बोला ना गाड़ी में बैठ, बताता हूँ तुझे। क्या बात है बोलो ना। चल गाड़ी में बैठ। ए, चुपचाप टेप दे दे। अबे कौवे जैसी शक्ल वाले चमन, मेरे को उठाते टाइम पूछा था ना क्या चाहिए, वही पूछने के लिए 30 किलोमीटर दूर लेकर आ गए। वो टेप हमें अभी चाहिए। वो टेप इतनी दूर उड़ के आएगी क्या? एड्रेस देता हूँ, घर पे जाके खुद ही उठा लेना। ए शाने, तू क्या अपने को फंसाना चाहता है क्या? तो अभी मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? टेप इधर ही चाहना चाहिए। टेप अपने आप कैसे आएगी रे, डांबर की दुकान। खून निकल गया, खून निकल गया, खून निकल गया। वो फ्लोर जल्दी होना चाहिए। हेलो सर। एक फटका मारा तो लड़की माफी रोने लगा, इससे क्या टेंशन। मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे ही टेप मिल जाए उसका काम खत्म। ठीक है, इसका गेम बजा के फोन करता हूँ। Oh,
मैडम क्या हो गया? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं एक पिक्चर देख रही थी। हाँ एक्शन पिक्चर, बहुत बड़े बजट की है। देखो मेरी बात सुनो, ये सब मत करो प्लीज। छोड़ दो प्लीज, मत करो। नहीं क्यों कर रहे हो ऐसा, प्लीज स्टॉप इट। बेल्जियम से आया, प्लीज मत तोड़ो इसे प्लीज। जो लाखों रुपए पैसे दिए थे ना कौवे को मेरे को मारने के लिए, उतना ही पैसा खर्च करके अपने पति को ये सब टूटे हुए सामान का हिसाब दे देगी? खर्चा कर धोखेबाज कहीं की। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। उन गुंडों को रमेश ने भेजा था। तेरी अकल घास चरने गई थी। रईसों वाली जिंदगी जीते हुए 10 दिन हो गए मुझे। अमीरों की तरह सोता हूँ, अमीरों की तरह हगता हूँ, अमीरों की तरह नहाता हूँ, हंसता हूँ, गाता हूँ, नाचता हूँ, रोता हूँ। ये सब मुझसे छीना ना तो तेरे पति को नहीं बताऊंगा, इसी तरह तेरे घर में आके तोड़फोड़ मचाऊंगा, समझी ना? तू पुलिस को बताएगी ना तो मैं तेरे पति को बता दूंगा, और तेरे पति को पता चला ना तो तेरी लाइफ खत्म। पुलिस के पास मत चली जाना, मेरे पीछे बहुत हरामी लोग बैठे हैं, तेरे को पूरा कच्चा चबा जाएंगे। तो मेरी जिंदगी को आरामदायक बनाने के अलावा तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, समझी? वादा करती हूँ ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। पर अभी जो कर दिया उसकी सजा तो मिलेगी ना, तेरे को लिस्ट भेजता हूँ मैं। आज तक कभी फॉरेन नहीं गया हूँ मैं। देखो वीजा पासपोर्ट ये सब करवाना बहुत मुश्किल है। तू अगर दिल से चाहे तो सब कुछ घर पे डिलीवर हो जाएगा, तू सब तैयारी करके रख, मेरे को कहाँ जाना है मैं फोन करके बताता हूँ, चलता हूँ। सुनो मैं बताता हूँ, देख इस जगह पर ना एक बहुत लंबी दीवार है, इसी जगह पर प्रशांत और ऐश्वर्या की शूटिंग हुई थी, वही चलेंगे हम। सुनना मनी, कहीं भी ले चल, हमें बस वहाँ नाचने वाली अप्सराएं होनी चाहिए। मनी यहाँ कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है क्या जो इन लड़कियों से हमारी सेटिंग करा सके? ओके गर्ल्स, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ये कौन? चलो चलो बाद में मिलते हैं। इतनी सारी अफसरा इसके साथ? क्या तुम लोगों को दिखता नहीं क्या मेरा सर फट जाता तो? तुम लोगों को बीच में टांग अड़ाने की बुरी आदत है। समझा नहीं लेकिन मजा आया। अपना बोलने का स्टाइल है भाई। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी पलटन को मेरा स्टाइल पसंद आया? सच कह रहे हो? मंडली तुम लोग कहाँ से आए हो? गोरेगांव के। वहाँ मेरे जैसे हीरो को खूबसूरत हीरोइन मिलेगी क्या? वाले को बांद्रा वाली मिलेगी। ठीक है, दरअसल मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का बड़ा शौकीन हूँ। पर एक इमोशनल ट्विस्ट है। क्या? जब मैंने सुना कि दीपिका की शादी हो रही है तो मैं 10 दिन बिस्तर में पड़ा रहा था। पागल है। लेकिन जब मैंने श्रद्धा को
देखा तो मैं खड़ा होकर टाइगर बन गया। वो तो ठीक है, पर आप कौन है और इधर क्या कर रहे हैं आप? हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा है तुमने। मेरा नाम है योग रासा, निकनेम भी योग रासा। मुझे योग करने की बड़ी आदत है, इसलिए माँ बाप ने प्यार से रखा। और इधर कैसे पहुँचे? बड़ी लंबी कहानी है। 10 साल पहले मुझे पता चला कि रानी ऑस्ट्रेलिया में शूट कर रही है, इसलिए मैं अपना पासपोर्ट उठाकर यहाँ ऑस्ट्रेलिया चला आया था। सच तो ये है कि वो मेरी सबसे प्यारी हीरोइन है, समझ गए ना तुम? इसलिए सोचा कि क्यों ना उसे मैं टेडी बेयर गिफ्ट कर दूं। उसके बाद क्या हुआ? उसने मेरे गाल पर चुम्मा लिया क्या? सन्नाटेदार थप्पड़ मारा जोर से। क्यों? उसके बाद मुझे पता चला उसे टेडी बेयर नहीं गुड़िया पसंद। तुमने उसे वही तो दिया था। लेकिन दूसरे दिन मैं चला गया भालू लेकर। जिंदा भालू दे दिया क्या? लेकिन अफसोस दूसरे दिन वो जापान चली गई थी दूसरी फिल्म के लिए, और मैं दीवाना बनकर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में उसकी याद में भटक रहा हूँ। अरे क्या बज रहा है? ओ मोबाइल, इंडिया के सुपरस्टार का फोन। किसका? किसका? अजीत कुमार, सुपरस्टार। अजीत जी कौन है? अजीत कुमार जी, कैसे हैं सर आप? आप तो मुझे भूल ही गए हैं। अरे मैंने सुना है आपने डाइटिंग करके 17 किलो वजन कम कर लिया है। मुझे थोड़ी सीक्रेट बातें करनी है। आप आइए, मैं बंदोबस्त कर दूंगा। ये हमें अप्सराओं के पास ले जाएगा? पता लगाने का एक ही तरीका है, जा तू उसका पीछा कर, जल्दी जा। तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को ऑस्ट्रेलिया जरूर आना चाहिए। मैं यहाँ का बादशाह हूँ, सब मुझे जानते हैं। हाँ, बस यहाँ के कांगरू को छोड़कर, और मेरे सामने एक भालू खड़ा है उसे छोड़कर। ओके बाय। सुनो ना भाई। हाँ बोल। अब कैसे कहूँ, कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। कहते हुए शर्म आ रही है तो लिख कर दे। मजाक कर रहे हो? मुझे नाचने वाली अप्सराएं देखने का बड़ा मन। नाचने वाली अप्सराएं? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम सिर हिलाओ, मैं हाजिर कर देता हूँ। ये अप्सरा चलेगी क्या? ए, ये अपने उधर की लगती है। लेकिन भाई ऐसी लड़की तो अपने इधर कभी नहीं दिखी। मैं दावे से बोलता हूँ ये अपने इधर की चीज है, तेरे को सबूत दिखाऊं क्या? क्या करेगा तू? मैं जोर से जाके इसको झटका देता हूँ। नीचे गिरते हुए शिट बोली तो इधर की है, वही माँ बोली तो अपने यहाँ की है। भागने वाला हूँ, तुम लोग थोड़ा दूर हटके भागना। ओके ठीक है। मैडम से टकराने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो तेरी किस्मत अच्छी है, मैडम ने मुझे रोक लिया। आसपास दिखना भी मत। सॉरी मैडम, एक्चुअली वो हम बस मस्ती में। सॉरी मैडम, गलती हो गई वो। अब प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। इसकी तो ए मणि भाई, अंग्रेजी क्लब कब ले चलोगे? तू घबरा मत यार, तेरे को वो दिखाए बगैर इधर से फ्लाइट में बैठेंगे ही नहीं। ए, ये तो अपने होटल में ही रुकी है यार। ओके। लगता है कि ये बहुत अमीर घर की लड़की है। चलो रे, तुम लोग फिर से मेरे पीछे पीछे भाग कर आओ। अरे जाने मान, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। खाली मैं जो बोलूं वही करते रहना। हां ठीक है, भैया है तुमने। हां वो जो मैंने गिफ्ट लाकर दी थी उसे ट्राई किया कि नहीं? कौन है? आ जाओ आ जाओ। तो छोड़ नहीं रहा। हां यार इडियट। I will not accept it. That's it. You've got 5 minutes and then you got to go. नहीं नहीं नहीं, अरे मगर अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। ये लोग यहाँ 1 मिनट भी नहीं दिखने चाहिए। Yes, madam. रहने दो, बात को और मत बढ़ाओ। लेकिन मैडम मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपके डैड ने मुझ पर भरोसा करके मुझे यहाँ आपके साथ भेजा है, मुझे उन्हें जवाब देना होता है मैडम। मैं कह रही हूं, माफ कीजिए मैडम। मूव। इनको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया में और होटल नहीं है क्या? अपने पास डॉलर है, चलो। नहाए बगैर तुम में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये क्या पहनकर घूम रहे हो? ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर गंजी बनियान पहनकर घूमोगे तो नाम खराब हो जाएगा। इसने लड़की को छेड़ दिया। अरे मैं भी तो इसके साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कपड़े अभी तक नहीं उतरे। ये एक आर्ट है, बाद में ट्रेनिंग दूंगा।
ये सामान लेकर तुम लोग जा कह रहे हो? वो होटल वालों ने हमें निकाल दिया है ना। ओ ये बात है, तो फिर कोई बात नहीं है, योग रासा तुम्हारी मदद करेगा, मैं तुम्हें दूसरी होटल लेके जाता हूँ, वहाँ तुम चेक इन करती, ठीक है? चलो भाई, हमारी भाभी है क्या? अरे बेवकूफ, ये भाभी नहीं है, ये आज के लिए चुम्मा गर्ल है मेरी, शीज माय गर्लफ्रेंड। ओके डार्लिंग, सी यू टुमारो, बाय बाय। क्या बात है गुरु, आप सबके सामने से चुम्मा दे रहे हो? अरे हाँ हाँ, यही तो फर्क है हमारे देशों में और दूसरे देशों में। बाहर के देशों में आप किस आराम से कर सकते हो, बस पिस नहीं कर सकते हो। रास्ते में किस करोगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर पिस करोगे तो फिर जेल जाओगे, समझ गए? चलो, ऐसे लंगड़ा क्यों रहे हो? क्या बताऊँ तुम्हें, कल रात मैंने क्लब में एक लड़की के साथ ज्यादा ही ढिंचक कर लिया था। मैंने अपनी इस टांग को पकड़ा और जोर से डिस्को करने लगा था। डिस्को करते करते कमर में मोच आ गई और सुबह से ये हाल है, ठीक से चल भी नहीं सकता। कई सालों से मैं एक बात पूछना चाहता था। क्या पूछना है? तुम लोग छोटी छोटी बात पर अपने देश में, अपने शहर में पुतले जलाते हो ना, ऐसा क्यों करते हो? विरोध करने के लिए। विरोध करने के लिए? ऐसा करने से क्या फायदा होता है? कोई फायदा नहीं, बस जला कर दूर चले जाते हैं। मतलब नुकसान ही होता है। इससे अच्छा तो ये है, रास्ते में जितना भी कूड़ा कचरा हो उसे अच्छे से बड़े से बोरिए में बांध कर जला दोगे तो शहर भी साफ हो जाएगा। क्या हुआ, मेरी बात ने रुला दिया तुझे? हाँ गुरुजी, मेरी सच्ची बातें सुनकर ये बहुत इमोशनल हो रहा है, मुझसे सहन नहीं होता, मैं दूसरे टेबल पर जा रहा हूँ। हाय एजिला रसी। हाय, कैसी हो तुम? यार फाइन। आप इसे जानते हैं क्या? और इसका नाम एलिजा रसी है? वैसे तो इसका नाम एलिजाबेथ है, पर मुझे एलिजाबेथ बोलने में थोड़ा मुश्किल लगा, इसलिए मैंने उसे एलिजा रसी कर दिया। मैं प्रेम का रसिया हूँ ना, इसलिए ये नाम दे दिया। ए, वो देखो। अरे यार वो देख वहां, वो इसी तरफ आ रही है। भाई ये तो वही लड़की है जिससे आप टकराए थे। दो बार टकराया था। हाँ। अरे यार जरा सोच, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे हाँ। लगता है ये संजोग ही है, तुम्हारी तकदीर में लिखा है एक बार नहीं दो बार इस लड़की से टकराने का योग है। डबल बोनस मिला है तुझे, तू इस बात का फायदा उठा ले। मैं खुद जाके टकराया था। देख मेरे भाई, हमें मोहब्बत में अपने जज्बातों को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। मेरे अब्बा हमेशा कहते थे, जब भी किसी से प्यार करो खुल के प्यार करो, अपने जज्बात को कभी दिल में नहीं छुपाना चाहिए। आम मिले तो खा लो, बीड़ी मिले तो पी लो, और लड़की मिले तो फ्रेंडशिप कर लो। ये कौन बेवकूफ बोला? ऐसा प्रवचन कौन देगा? ये सारे महान विचार लव गुरु योग रासा के हैं। यू आर इन लव, शी इज इन लव, अब वक्त बर्बाद मत करो और उसे जाके प्रपोज करो। यस, मैं अभी मैडम को पिकअप करने जा रहा हूँ। हाँ पहुँच गया। मेरे साथ 3 दिन घूमने फिरने का उपकार करेगी? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे। अपने बारे में कुछ बताओ, फिर सोचूंगी। अपने बारे में क्या बोलूं अभी, कभी खुशी कभी बूम देखी है क्या? उस पिक्चर का हीरो जो है ना, अपन वही थे। पिक्चर में उसके पास बहुत पैसा है, हेलीकॉप्टर में फौरन से उतरते ही कभी इधर मीटिंग तो कभी उधर मीटिंग, बंबानी जितना बिजी है वो। उसके बाद उसको एक छोटे घर की लड़की से प्यार हो जाता है ना, बस अपनी कहानी भी वैसी ही है। अपने पास ज्यादा कुछ नहीं है, खाली 5,000 करोड़ है। वैसे मेरे जैसे अमीर लोग फॉरेन घूमने आते हैं तो अपने साथ एक डाव लेके आते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ। बचपन में मेरे साथ स्कूल में पढ़े हुए लौंडे बार बार फेल होके नकारा हो गए थे, उनको साथ में लेके आया हूँ। मेरी जिंदगी भी ना बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही है। मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों पैसे कमाने में बिजी रहते हैं, 5 मिनट से ज्यादा मुझसे बात तक नहीं करते। मेरी देखभाल के लिए एक आया है, मेरे माँ बाप के पास भी बहुत पैसे हैं। अब तो ऐसा लगता है कि अपन एक दूसरे के लिए ही बने। सिक्योरिटी के नाम पर मेरे पापा ने इसे मेरे पीछे रखा है, क्या तुम इसे उल्लू बनाकर मुझे यहाँ से ले जाओगे? चैलेंज। मैडम टिकट्स बुक हो गए हैं, आप रेडी हैं? शैल वी गो? पीछे पीछे हटो जल्दी। I'm ready. जाओ जाओ। वाह वाह क्या बात है, धूप सेकने निकली है। हाय बेबी, अपनी साइकिल पे मुझे भी डबल सीट ले लो, साथ में धूप सेकेंगे, क्या कहती हो? Yes, okay. वे, okay. हो गया।
मौसम बहुत अच्छा है ना? क्या तुम यहीं आसपास रहती हो? I just stay over अगर there. फ्री हो तो चलो कहीं चलकर कॉफी या ड्रिंक लेते हैं. Yes, why not? Oh, lovely. यहीं रहना. Okay. I'll just come back. I'll come back in 2 minutes. Yay! मजा आ गया. मैडम, इफ यू डोंट माइंड, मैं आधे घंटे का ब्रेक ले लूं. एक्चुअली okay. पेट में गड़बड़ है, होटल वापस जाना पड़ेगा, पर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा. थैंक यू. चलो चलो, जाने मन छुट्टी मिल गई. लेट्स गो, गिव योर बाइसिकल टू मी. ओके. अंदर. कहाँ चले? अरे वो गई. जा जा, तू भी जा. जा जल्दी कर, क्या करेगा. ऑल द बेस्ट. चल. आधे घंटे में वो वापस आ जाएगा. वो अंदर अपनी मर्जी से गया है, बाहर मेरी मर्जी से आएगा. उसे भेजा ही ऐसी जगह पे मैंने. मुझे लगा ही था जाने मन तुम अलग ही शौक रखती हो. वाह वाह, और इंतजार मत करवाओ, जल्दी करो, जल्दी करो जाने मन. अरे कपड़े क्यों उठा रही हो, अभी तो उतारे हैं. Bye. अरे क्या कर रही हो, मेरे कपड़े लेकर कहाँ जा रही हो? Where are you going? Hey! Hey! आओ ना. हेलो, हाउ आर यू? हेलो. एक सच बोलूं, कूद मत जाना, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो. मेरे साथ बिताए वक्त को याद रखने के लिए तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देने वाला हूं. हेलो, व्हाई डोंट यू कम इनसाइड? Welcome, welcome, sir. Welcome. Good evening. Show me this. This one? Good choice. What price is this? $6,000. मेरे status के हिसाब से तो बहुत छोटा है. कुछ बड़ा, कुछ महंगा दिखाइए ना. Oh, big. Wait a minute. पर मुझे ये पसंद है. मेरे जैसा इतना बड़ा आदमी ये छोटा सा गिफ्ट देगा तुमको? आज मैं तुमको ऐसा गिफ्ट दूंगा जो तुम मरते दम तक भूलोगी नहीं. Oh, it's really suits a gown. Oh. How much? $36,000. Check it. Oh, not enough. ये मैनेजर लोग भी अजीब होते हैं. मालिक 7 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा है तो इतने पैसे खर्च करेगा, ये खुद ही डिसाइड कर लेते हैं. ठीक है, मैं कल आके, सॉरी, गिव दिस एंड मनी. आई कम पिक अप टुमारो. ओके, ओके, थैंक यू. थैंक यू. हेलो. नमस्ते मैडम, सब ठीक ठाक चल रहा है? इधर अपने को थोड़ा 50 लाख की जरूरत पड़ गई है. क्या है ना कि अपने को प्यार हो गया है, उसको एक छोटा सा 51 लाख का गिफ्ट देने की सोच रहा हूँ. ए, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारी इन रोज रोज की फरमाइशों से तंग आ चुकी हूँ. ए, बहुत चमक रही है. बाहर गाँव आया हूँ तो मेरा डर भूल गई क्या? मेरे को 50 लाख चाहिए, वो भी आज दिन खत्म होने से पहले. वो सब क्या है, वो हवाला बोलते हैं, वायर ट्रांसफर बोलते हैं, उनमें से किसी में पैसे डाल, कल सुबह के सूरज से पहले पैसे चाहिए. इतना आसान नहीं है बड़ी रकम भेजना. तू तो बड़े बड़े कारनामे करती है रे, ये छोटा सा काम तुझसे नहीं होगा. ओह, इतना यकीन है तुझे? तू रूम में जा और जाकर चेक कर, तेरा सारा सामान, पासपोर्ट, वीजा, यहाँ तक की टिकट भी सब चुरा लिया गया है. तू सीधा रिसेप्शन पे पहुँच, वहाँ पुलिस तेरा इंतजार कर रही होगी. वहाँ के कायदे कानून बहुत सख्त है, तैयार हो जा जेल में सड़ने के लिए. मैडम, इतना मजाक करना अच्छा नहीं होता. मुझे इतना बेवकूफ समझा कि तेरे ऐश आराम के लिए मैं तुझे ऑस्ट्रेलिया भेजूंगी? वैसे मैंने तो सोचा था कि तू जब वापस आएगा तब तुझे गिरफ्तार करवाऊंगी, पर तूने तो आज ही मौका दे दिया. जा रूम में वापस जा, चक्कर खा के गिर जाएगा. बाय हीरो. अरे ये
है क्या? हमारे कमरे के दरवाजे क्यों खुले हुए? सामान बिखरा क्यों पड़ा? कह रहे हो? अरे हाँ यार, सूट का सामान कहाँ? ये क्या? मेरा पासपोर्ट क्या हुआ? पासपोर्ट भी नहीं है। ये क्या? पासपोर्ट लेके सारा सामान बिखरा पड़ा। मेरा पासपोर्ट यार, मेरे पास तेरा है क्या? ये पॉकेट देख, ये क्या है? मणि, अरे कौन आया था? मणि, ये देख कुछ मिला है सफेद पाउडर जैसा, देख जरा क्या है। मुझे बहुत डर लग रहा है यार, देखना है क्या है। हम लोग क्या होगा? ये क्या है? अजीब सा सफेद पाउडर है ये सब क्या हो रहा है? हमें समझ में नहीं आ रहा क्या है भाई। ए, ये तो ड्रग्स है यार। क्या हमको ड्रग डीलर बना दिया? अब क्या करें? रुको, भाग निकल यहाँ से, भागते रहो, चलो जल्दी चलो। There they are. Please, police, get them. No, let's go to the other direction. एक ही चाल में वो हमें रास्ते पर ले आए भाई। थोड़ा शांति रखना। पर प्रॉब्लम क्या है, हमें बताओ तो सही। थोड़ी देर शांत रहो ना यार। पासपोर्ट वासपोर्ट सब कुछ चला गया, अब हम क्या करेंगे भाई? सोचो कुछ तो। मेरी माँ ने मुझसे कहा था, बेटा तेरे दांत कंगारू जैसे ऑस्ट्रेलिया कभी बन जाना। मैं फंस गया माँ। तुमको जिंदा हिंदुस्तान पहुंचाऊंगा, चलेगा? आसपास कोई इंटरनेट सेंटर देखा है क्या? हाँ मैंने एक देखा है। चल मेरे साथ। यही है भाई, तू यहीं पे रुक। हेलो मैडम, प्लीज मैडम, हाथ में पैसे नहीं है मैडम, पुलिस तक पीछे पड़ी हुई है। भगवान के लिए माफ कर दीजिए मैडम। माफ कर दो, और वो भी तुझे? तू तो एक सांप है, और उसे जितना भी दूध पिलाओ वो डसता ही है। मेरे दोस्त लोग सड़क पे खड़े हैं मैडम, गलती हो गई मैडम। भगवान के लिए इंडिया आने में मदद कर दीजिए। वहां पर पहुंचते ही वो टेप आपके हाथ में दे दूंगा और मैं गांव चला जाऊंगा मैडम। मैं आपके पैर पड़ता हूँ मैडम, जिंदगी में शक्ल नहीं दिखाऊंगा आपको मैं अपनी, प्लीज प्लीज प्लीज। चलिए ड्रामा बंद कर, मुझे कहीं जाना है, बाद में बात करते। फोन मत काट देना मैडम, मैडम बहुत डर लग रहा है मुझे। मैडम तू तो बहुत अड़ियल औरत निकली रे मैडम। हाँ, तेरे सामने एक आदमी रो रहा है और तेरे को जरा भी तरस नहीं आ रहा उस पे। सुन रही मैडम, जाने मान मैं जब पांचवी में था ना, पूरे स्कूल में फर्स्ट आया था मैं, तो मुझ में थोड़ी बहुत अकल तो रहेगी ना मैडम। ये सब सोचे बिना मैं फौरन आ जाऊंगा क्या मैडम? मेरे को उठाएगी रहा समझिए क्या? अब उठ के भागना चालू कर। अभी अपना लैपटॉप खोल के ना, उसमें मेल बॉक्स करके कुछ होगा, उसको जाके खोल। इनबॉक्स विनबॉक्स कुछ दिख रहा है? हाँ उसको खोलना पगली। फोटो एकदम ढिंचा का लिए ना। तेरा शरीर तो तेरा पति पहचानता ही है, लेकिन तेरे साथ जो अंकल है वही तो सरप्राइज है। पूरे वीडियो का एक फ्रेम भेज रहा हूँ, तेरे पति को पूरा भेज दिया ना तो उसको हार्ट अटैक ही आ जाएगा। अच्छा वो एक और बात थी,
तो तेरे हस्बैंड का ईमेल आईडी shivraj_cr2005@yahoo.com यही है ना? प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज 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 ऐसा मत करना, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। प्लीज मत करना, I'll do whatever you want, please. मनी क्या बात है बोलो ना। मैं उसको सच बताने वाला हूँ। क्या बात कर रहा है? मत कर, कुछ ठंडे दिमाग से सोच रहा है। वो मुझसे सच में प्यार करती है, मैं उसे बता रहा हूँ, मैं गरीब हूँ। अब वो मुझे छोड़ती है या रखती है वो उसकी मर्जी है। क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, यस व्हाट डू यू वांट? रोजी, व्हाट डिपार्टमेंट? मैथमेटिक्स सेकंड ईयर। देयर इज नो रोजी, सी। मनी क्या हुआ? क्या हो गया? अरे बोला नहीं है कि क्लास में? अरे भाग कर रहा, बोला। अरे कुछ बोल तो। पर उसने झूठ क्यों बोला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? The number you have dialed has been disconnected. Please try again. The number you have dialed has been disconnected. Gentlemen, how are you? Where is Rosie? She's gone. Where? I don't know. Hello. क्या हो गया हीरो? तेरी हीरोइन नहीं मिली? और अब तुझे मिलेगी भी कैसे? वो यहाँ मेरे पास जो है। लगा ना जोर का झटका धीरे से। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने उसे किडनैप नहीं किया, वो खुद चल के मेरे पास आई, क्योंकि मैंने ही तो उसे भेजा था। रोजी नाराज मत हो, उस लड़के से प्यार का नाटक करना है, उसे बिना कुछ कहे भेज दो। वो अब तुम्हें ढूंढ रहा है, अपनी तरफ उसका ध्यान खींच लो। और ना सिर्फ रोजी बल्कि योगराजा और उसका वो बॉडीगार्ड भी मेरे लिए काम करते हैं। ये सारे मेरे मोहरे हैं। क्या हुआ हीरो, बोलती बंद हो गई? Yeah, actually, if you want, I can do that work for you. अरे, तुम वहाँ मुंह लटकाए क्यों खड़े हो बरखुरदार? हमने ये खेल खेला और तुम उसमें फंस गए। Who is he? He is from India. Okay. We fooled that guy. Hey, take care, bye. बहुत बुरा लग रहा है ना हीरो? अरे कहाँ ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ रहे हो? वो सिर्फ इसलिए तुझसे मिली क्योंकि मैंने उसे तेरे पास भेजा था। माना कि तूने उसे भेजा है और वो मुझसे सच्चा प्यार करती है। टेंशन मत ले हीरो, जल्दी से जल्दी वापस आ। सिर्फ 12 घंटे हैं वापस इंडिया आने के लिए। एक हाथ टेप दे और दूसरे हाथ एड्रेस ले।
ध्यान दें, फ्लाइट संख्या 787 अब बोर्डिंग के लिए तैयार है। तो बोल मेरे हीरो, दिमाग ठिकाने लगा? गांव वालों को शाणपंथी करनी ही नहीं चाहिए, अमीरों से पंगे लेने से पहले सोचा करो। वो कहां पर है? अरे यही तो थी, पता नहीं कहां चली गई। अब तक तो तू मुझे धमका रहा था, अब मेरी बारी है। अगर तुझे रोजी चाहिए तो चुपचाप वो टेप मेरे हवाले कर, उसके बाद तुझे जो करना है तू कर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। उसने मुझसे सच्चा प्यार किया है। किया होगा, मुझे उससे क्या, मुझे मतलब सिर्फ अपनी टेप से है। अब तू तो उसके बिना जी नहीं सकता, तो चल जल्दी उठ, जाकर वो टेप लेकर आ। एक हाथ टेप दे और दूसरे हाथ रोजी ले जा। बड़े बेवकूफ निकले तुम मैडम, 7 दिन के मामूली से प्यार के लिए 70 साल का आराम छोड़ दूंगा क्या? कल सुबह ही अमेरिका की फ्लाइट पकड़ के जा रहा हूँ, वहाँ एक और पकड़ के घूमूंगा, उसके बाद किसी और देश चला जाऊंगा, वहाँ एक और पटाऊंगा। हर महीने नया देश, हर महीने नई लड़की, मेरे प्लान ने हिला डाला ना। ये क्या घड़ी घड़ी घटिया प्लान बना के खुद ही फंस जाती हो मैडम। इसके जैसे मैदे की पोटली को बॉयफ्रेंड बनाओगी तो ऐसा ही होगा, मगर इस बार सजा कड़क मिलेगी आपको, नहीं ये मैदे की पोटली को। तेरे घर का एड्रेस 10/3 लिंक रोड ही है ना? एक एनवलप में थोड़ी फोटोज डाल के मेरा एक पंटर गया हुआ है सर के घर पे, डिंचैक फोटो उटू लेके अपनी अबला बीवी को फोन करके पूछना। हेलो, मुझसे मिलने कोई आया है क्या? देखती हूँ मैं। जल्दी करो, फोन सिक्योरिटी को ट्रांसफर करो। घर पर कोई आया क्या? सर यहाँ तो कोई नहीं आया है। उसको पूछ कोई ऑटो आ रहा है क्या? सर सर ऑटो में एक आदमी आ रहा है। पूछ कोई लाल शर्ट पहन के उतरा क्या, जल्दी पूछ। सर उस आदमी ने लाल शर्ट पहनी हुई है। मैडम से मिलना है। सर ये तो मैडम से मिलने की बात कर रहा है। ये उनको देना है। कह रहा है मैडम को कोई लिफाफा देना है। सर सर एक मिनट रुकिए ना, रुकिए ना सर। शिट, रोजी का एड्रेस मैं देता हूँ, बंगलो नंबर 6 सेकंड लेन तारा रोड। उसे बस रोक लो प्लीज। हेलो, कह रहे जीजा अपना काम हो गया है, वहां से निकल ले। कौन चाहिए? रुको, अबे हटना। रुको, रुको, कहां जा रहे हो? रुको, किससे काम है तुम्हारा? एए! 2% की औरत बाहर निकल, धोखेबाज गद्दार। तुम उसकी दादी है क्या? यही तेरी पोती के संस्कार है क्या? पैसे के लिए लड़कों को घुमा के आई लव यू बोलने के लिए पैदा किया? बुला अपनी पोती को। ये बुढ़िया, अपनी पोती को नीचे भेज। तुम ही दुनिया घूमने वाले माँ बाप हो क्या? पैसे के लिए तुम्हारी बेटी कुछ भी करेगी? उसको बाहर आने को बोलो। क्या मैं क्या बच्चा हूं क्या? क्या बहरे हो क्या तुम लोग? ये रोजी का घर ही है ना? सर के घर जाकर बदतमीजी करता है। तेरी अक्कल ठिकाने लगाता हूँ। ऐसा मारो कि दोबारा ऐसी हरकत ना करे। ए खड़े क्यों? मारो इसे, मारो। सुबह सुबह शुरू हो जाती है। राजा राम सर, क्या बात है? इसने कमिश्नर के घर जाकर बदतमीजी करी। पुलिस वाले के घर लफड़ा करता है? झमके मारो इसे। राजा राम सर, क्या मेरे भांजे को पकड़ के लाए हो? क्या किया इसने? सर हमें कमिश्नर के ऑर्डर है, आप जाकर उनसे बात करिए। ह्यूमन राइट्स वालों को प्रोटेस्ट करना है तो करें, हम उसे एनकाउंटर में मार देंगे। यही एक तरीका है सर इन जैसों को खत्म करने का। सर वैसे भी डिपार्टमेंट मुझे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से ही जानता है। हाँ बैठो बैठो,
आप डीजी साहब को भी बता दीजिएगा सर। ओके सर। सर, मेरे ही लड़के को मेरे सामने मेरे थाने में पीटा जा रहा है। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आपसे मिल लूं। नाम क्या है उसका? सर मणि। एक बदमाश लफंगे लड़के को मणि नाम दिया है? तुम मेरे डिपार्टमेंट के काबिल और ईमानदार अफसर हो, इसलिए तुम्हें यहाँ बिठाकर इज्जत से बात कर रहा हूँ। वो क्या लगता है तुम्हारा? वो मेरा भांजा है सर। तुम्हारे भांजे ने मेरी सास को गाली दी? इतने सालों की मेरी नौकरी में आज तक किसी ने मेरे घर वालों के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं की। ये मेरे घर में पहली बार हुआ है, इसलिए मेरे ऑफिसर्स उसकी ऐसी पिटाई कर रहे हैं। और तुम ऐसा कह रहे हो कि मैं उसे छोड़ दूं? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो बहुत ही नेक लड़का है सर। बचपन में पढ़ाई में बहुत ही अव्वल था। जानते हैं जब वो पांचवी कक्षा में था? मामा मेरे मार्क्स देखिए। तू ही मेरा नाम रोशन करेगा। तेरे पिता तो सिर्फ तहसीलदार हैं, लेकिन तू बड़ा होके कलेक्टर बनेगा। कलेक्टर? ये लो। अरे तुम कब आए? जाने की तैयारी है? हाँ क्या? पापा मेरे मार्क्स देखिए। मार्क्स वक्स बाद में देख लूंगा। एक काम करो, वो लकड़ी वाले की दुकान है ना मंदिर के पास, उसके यहाँ जाओ। मेरी उससे बात हो गई है, वो तुम्हें एक छोटा सा पार्सल देगा। जाओ जल्दी जाओ। ठीक है पापा। भाई साहब, मैं सोच रहा था कि आगे की पढ़ाई शहर में कर ले। तुम जानते हो ना मैं यहाँ का तहसीलदार हूँ, हर स्कूल में पहचान है मेरी। तुम्हें देर हो रही होगी। ए साले साहब को बस स्टैंड तक छोड़ दो। ए तू क्या खड़ा है? जल्दी जा वरना वो निकल जाएगा। जल्दी जा और जल्दी आना। ये बैग मुझे दे। ऐसे तो हमारे पैसे बचेंगे ही नहीं। तुम भी कौन हो? तुम तहसीलदार का बेटा? हाँ, वो जरा पैकेट देना। पैसे कमाना कितना मुश्किल है। ए तू क्या कर रहा है? जाओ पढ़ो। बाउंस एट ईच एंड एवरी कॉर्नर। द कलर्स आर रेड ब्लू ग्रीन। एए, ऊपर आसमान की तरफ क्या देख रहे हो? खड़े हो जाओ। एक दिन इन्होंने तुम्हारे लिए ताली क्या बजा दी? दिमाग आसमान में चढ़ गया तुम्हारा? बताओ इतनी देर तक मैं इन सबको क्या पढ़ा रहा था? हाथ निकालो ऊपर। पहले मन लगाकर पढ़ते थे, अब क्या हो गया तुम्हें? There was once a man who put all his earnings in an magic। हाँ पापा। अगली गली में महेश बाबू है ना, जिनकी दो बड़ी लॉरियां हैं, जानते हो ना उन्हें? हाँ, उनके घर जाओ और उनसे मेरे लिए पार्सल लेकर आओ। समझ गया ना? चलो जाओ। ए, रास्ते में गिराना मत, संभाल के लेके जा। इतना वक्त क्यों लग गया? अरे वो घर पे नहीं थे। चलो जाओ पढ़ो। He packed his bags and caught the next train to the countryside. The day was bright and sunny. The town was beginning to get hot and soon the summer began to show its colors. चलो चलो चलो।
भाई हम सबको एक एक आइसक्रीम दीजिए। हाँ सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। रुको रुको, एक एक करके आओ, एक एक करके। चलो लाओ 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 लाओ, तुम भी दो। अरे पहले मुझे जल्दी करो ना अंकल, मुझे जल्दी दो ना। इसको भी दे, तुमको भी चाहिए, उसको भी दे दो, एक पीली वाली। हाँ हाँ उसको भी। हे आराम से आराम से, इतना मजा आया ना, आ गया ना मजा खा के। हाँ मुझे बोला था चाहिए। हाँ एक और, एक और। चलो आराम से आराम से अंकल, मुझे। हाँ दे रहा हूँ ना अंकल। पापा। हाँ क्या हुआ? आज कोई पार्सल लेने नहीं जाना है क्या? ए चुप कर, दांत तोड़ दूंगा तेरे, पढ़ाई पे ध्यान दे। बाउंस बैट। सुनना आज भी तू लाया है क्या पैसे? एवरी क्या पैसे? नहीं मैं संभाल लूंगा, चल मेरे सारे दोस्तों को एक एक आइसक्रीम दे दो। पैसे हैं तेरे पास? अरे मैं तहसीलदार का बेटा हूँ, दे दो सबको। तुम वहाँ जाओ। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। चल 100 रुपए निकाल। हाँ हाँ ठीक है, कल दे दूंगा। ए तहसीलदार का बेटा सयाना बनता है क्या? हाथ मत लगा, छोड़ मुझे। पैसे निकाले तो छोड़ूंगा नहीं। हाथ मत लगा, बोला ना तेरे को, तुझे पैसे चाहिए ना, यही रुक लेके आता हूँ। पापा को जरूरी काम के लिए 1000 रुपए चाहिए। अभी तो पैसे भिजवाए थे उनको। अरे अचानक जरूरत पड़ गई होगी, एक लॉरी रोकेगा तो 33,000 का नुकसान होगा। दे दो, दे दो उसे। तेरी जरूरत कैसे हुई उस आदमी से पैसे लेने की? आप लो तो लीला, मैं लू तो कैरेक्टर ढीला। अरे इसमें तुमने कुछ लिखा ही नहीं। ए! तहसीलदार अंदर है ना? हाँ नीचे से जा। ठीक है, हाँ ऐसा ही ड्राफ्ट कर दो इसे। 10:30 बज गए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? परीक्षा देने नहीं गए? क्या करूँ पापा, पूरी रात पढ़ा पर कुछ याद ही नहीं रहता। हेडमास्टर को बोल दीजिए मुझे पास कर दे। क्या क्या कहूँ हेडमास्टर से, बहुत मारूंगा नालायक, जाकर परीक्षा दे। ये कहने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? ए जाओ जाकर फोन करो। आपने हेडमास्टर को फोन नहीं किया तो मैं जाकर पुलिस को फोन कर दूंगा कि उनके आदरणीय तहसीलदार और मेरे महान पिताजी रिश्वतखोर है। जाओ फोन करो, मुझे पास होना है। हेलो हेडमास्टर साहब, मैं तहसीलदार बोल रहा हूँ सर। एक छोटी सी मेहरबानी कर दीजिए, मेरा बेटा बिल्कुल नालायक है, हो सके तो उसे पास कर दीजिए। वो लड़का नालायक नहीं था सर, उसका बाप नालायक था। बदकिस्मती ये है कि एक रिश्वतखोर बाप के यहाँ एक लायक बेटा पैदा हुआ। वो अपने बाप के करतूतों की वजह से नालायक बन गया। मेरी आपसे दरख्वास्त है, उसे सिर्फ एक मौका दीजिए सर। ठीक है ले जाओ उसे, पर याद रखना अगर मैंने उसे इस इलाके के आसपास भी कहीं भटकते हुए देखा तो मैं उसका एनकाउंटर करवा दूंगा, समझ गए? यस सर। संभल के बेटा, मामा सफाई देने की जरूरत नहीं है बेटा। दुनिया चाहे जो भी कहे, तुम मेरे लिए अब भी बचपन वाले मणि हो। एक दिन जब तुम कामयाब इंसान बन जाओगे ना, तब मुझे बताना कि तुमने ऐसा क्यों किया। अभी कुछ मत कहो, ज्यादा सोचो मत बेटा, बस आराम करो। Huh?
कैसी लगी मेरी एंट्री? जब तुम लोग सोचते नहीं हो तभी मैं टपक पड़ता हूँ। अब कौन हो भाई, आपको पहचाना नहीं हमने। तो यू टर्न मारता हूँ, आप पहचान। अरे ये तो योगराजा है। ये तो अपनी योगराजा भाई है। चुप करो बेवकूफों, इस वक्त ना मैं योगराजा हूँ ना ही भोगराजा हूँ। आई एम सीबी फ्रॉम सीबीआई, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ तक तुम्हारा पीछा करता हुआ एक पुलिस ऑफिसर। हमने कोई जुर्म नहीं किया। लगता तो नहीं है। तुम कहाँ से हो? जबलपुर। झुमरी तलैया। बोल बोल। खड़गपुर। उसमें ई नहीं लगता है बे। बोल। जबलपुर। जबलपुर खड़गपुर, ऐसा नाम भी ढूंढना मुश्किल है मैप पर। अंग्रेजी बाथरूम से लेके तुम्हारे दूसरे शौक भी अंग्रेजों की तरह ही है, विदेशों में घूमना और फाइव स्टार होटल में रहना। जूते पहनोगे नाइकी के और घूमोगे स्पोर्ट्स बाइक पे। शक्ल से तो तुम लोग बेरोजगार लगते हो। व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम? कम ऑन टेल मी। बताओ तुम लोग पैसे कहाँ से लाते हो, बताओ मुझे। बोलो। बालों में ये कलर और तेरा टाइट टी शर्ट, सच बता दे मुझे, सन म्यूजिक कंपनी में सिंगर बना दूंगा तुझे, नहीं तो तेरी बरसी मनाते मनाते रोना पड़ेगा मुझे। तू क्यों रो रहा है बता मुझे? इसे हमारे दोस्त मनी की वजह से मिला है हमें। झूठ बोलना भी नहीं आता है। ये साला मनी मुंबई का बहुत बड़ा भाई है या नाला सुपारा का बहुत बड़ा कसाई है, पता नहीं। इतने सारे पैसे कहाँ से आए बता? तू बता मुझे। सर वो किसी टेप को लेकर किसी को ब्लैकमेल कर रहा था सर। वो कौन है, कहाँ रहते हैं, मुझे नहीं पता सर। नहीं पता। तो मैं भी एक 70 mm की फिल्म बना सकता हूँ और जल्दी से अमीर हो सकता हूँ। आइडिया जबरदस्त है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी ऑफिस जा रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो स्टेटमेंट देने तुम्हें मेरी ऑफिस में आना पड़ेगा। ओके ओके। पूछोगे नहीं कि सीबीआई का मतलब क्या होता है? क्या होता है? चालू, भिखारी, इडियट। बाय। बोल रहा हूँ मैडम, मुझे मार खिलवा के आराम से बैठी हो क्या? तेरा गुरूर तोड़ता हूँ आज मैं। बहुत हिम्मत है ना तुझमें जो कमिश्नर के घर पे भेज के मुझे फंसा दिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज से रईसों वाली जिंदगी जीने का अपना मूड खत्म हो गया। अपन सड़क पे ही ठीक है, मगर तेरे को भी सड़क पे लाएगा। यहाँ से तेरे पति के ऑफिस पहुँचने के लिए पैदल 20 मिनट और ऑटो में 10 मिनट लगेंगे। अभी ये टेप तेरे पति के हाथ में देता हूँ, तेरे को जो उखाड़े उखाड़ ले। गलत एड्रेस नहीं दिया था, उस लड़की के घर का पता वही है, पर वो बंगले में नहीं, बाहर सर्वेंट्स क्वार्टर में रहती है। प्लीज। मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है। मैं सच कह रही हूँ मणि, मेरे साथ गाड़ी में चलो। प्लीज मणि, प्लीज मेरी बात मान लो। प्लीज मैं सच कह रही हूँ मणि, गाड़ी में चलो। कौन है? हेलो मैडम। सरन्या, रूपा मैडम आई है। तुमसे एक काम है, मेरे साथ चलो। गाड़ी चला। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम दोनों बातें करो और मुझे माफ करो।
इसको जबरदस्ती प्यार करने के लिए मैंने बुलाया था कि तूने भेजा था। कृपया अपनी बारी आने तक यहीं रुकिए। ए, रुक, रुक जा, ए, रुक जा, तू मुझसे भाग नहीं सकती, रुक जा। मुझे थप्पड़ मारने की औकात नहीं है तुम्हारी। तुमने अमीर बनने का नाटक किया, मैंने भी वही किया। हिसाब बराबर हो गया, बात खत्म। मैं कोई अमीर नहीं हूँ, मैं कमिश्नर के घर में काम करने वाली एक बहुत ही साधारण सी लड़की हूँ। मेरे पास जो टाइम बचता है उस दौरान औरतों के घर जाकर उनका फेशियल करती हूँ, और उन औरतों में से ही एक है ये रूपा मैडम। मुझे दो ना माँ। छोड़, क्या कर रही हो? अरे इतने सारे पैसे। चलो तुम दोनों बाहर जाकर खेलो, चलो जाओ जल्दी। रूपा मैडम ने 5 लाख रुपए दिए तुम्हारे लिए और कहा है तुम्हें देने के लिए। उन्हें तुमसे कुछ काम है, कल जाकर उनसे मिलना। अब जैसा क्या? वो कहे वैसा करना। तुम्हें एक लड़के से प्यार का झूठा नाटक करने का 5 लाख रुपया दिया है। इससे अच्छा होगा कि मैं मर जाऊं। मेरी बात नहीं मानोगी तुम? सिर्फ नाटक करना है, किसी के साथ रात नहीं गुजारनी है। फेशियल करने के इतने सारे पैसे कभी नहीं बन पाएंगे। समझ, छोड़ो मुझे। समझ में नहीं आता कुछ। खूबसूरत हो, अच्छा मौका है पैसे कमाने का। चुप रहो, हटो यहाँ से, चुपचाप बैठो। मेरी बात नहीं मानोगी? हाँ जानती हो लोग पैसे के लिए क्या क्या करते हैं, जानती हो तुम? जानती हो ना? मैं मर जाऊंगी पर ये नहीं करूंगी। मैं ही मर जाती हूँ। चलो खड़े रहो यहाँ। क्या कर रही हो? माँ, माँ क्या कर रही हो? हम सब मर जाएं वही अच्छा है। छोड़ दो, छोड़ दे, क्या कर रही हो तुम? छोड़ दे, मरने दे हमको। मैं जाऊंगी माँ, प्लीज प्लीज माँ प्लीज। इसका मतलब दुनिया में सबसे बड़ी चीज पैसा ही है। देखो तुम्हारी जिंदगी अलग है, मेरी जिंदगी अलग है, हम दोनों एक नहीं हो सकते। ए, तू भी सड़क छाप है, मैं भी सड़क छापूं, तो अपनी क्यों नहीं जमेगी रे? मेरी बात सुनो, मेरी माँ बहुत चालाक औरत है, मेरी खूबसूरती का फायदा उठाकर वो लड़कों को फंसाती है ताकि उनसे पैसे ले सके। मैं कुछ नहीं कर सकती। कितना पैसा चाहिए? 5 करोड़ 10 करोड़? मैं चाहूँ तो कितने भी पैसे ला सकता हूँ, तू खाली रकम बता, मैं वो पैसा ला के तेरी माँ के मुँह पे मारूंगा। तुम्हें गलत घर में घुस गए इसलिए तुम्हें पुलिस ने कितना मारा। 18 सालों से मेरी माँ उनके घर काम कर रही है, अगर उसने एक शिकायत भी कर दी ना तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। भूल जाओ मुझे। पहली नजर में मैंने तुझे अपनी बीवी मान लिया था। दोसा ना मिलने पर भाई के सर पे बोतल मार दी थी, अभी तू चाहिए। तू नहीं मिली ना तो इस दुनिया में आग लगा दूंगा। भाई वीडियो कैमरा तो तुमने भाड़े पर ले लिया, लेकिन ब्लैकमेल करने के लिए कोई आदमी दिख नहीं रहा। लता क्या ये बात कोई जानता तो नहीं कि हम आज यहाँ मिलने वाले? ये बात कोई नहीं जानता। कहीं तुम्हारे पति को तो पता नहीं चल गया? क्या कह रहे हो, राजेश को कैसे पता चलेगा? अगर उसे पता चल गया ना तो हम सबको बता देंगे कि उसका चक्कर उसकी सेक्रेटरी के साथ चल रहा है। मैं पेट से हूँ, 3rd महीना है। 3rd महीना? अरे कितनी बार कहा है ध्यान रखा करो। दूसरे आदमी के साथ संबंध, 1 लाख तो मांग ही सकते हैं ना। बड़ा बैग रेडी रखना। रेडी। ध्यान से सुनो, पहले हम तुम्हारे पति को खत्म कर देंगे। वो राजेश को मारने का प्लान बना रहे हैं, बड़ा बैग भी छोटा पड़ेगा। एक बोरी तैयार रखना। रेडी करता हूं ना भाई। अगर किसी तरह रेवती को पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे? अब रेवती की एंट्री हो रही है। मुझे लगता है बोरी भी छोटी पड़ेगी, हमें बड़ा सा ट्रक चाहिए। रेवती नहीं जानती कि नटराज मेरा आदमी है। भाई थोड़ा ज़ूम करिए ना, डिटेल में नजर नहीं आ रहा। तू कोई डायरेक्टर और मैं कोई एक्टर हूँ क्या? मैं फिल्म फेस्टिवल के लिए फिल्म नहीं बना रहा हूँ, पैसों के लिए काम कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं झाड़ियों में जाकर शूट करता हूँ। अब तक तो नटराज ने रेवती को खत्म कर दिया होगा, पर बसंती का हम क्या करेंगे? इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। ये लो और उसे खत्म कर दो। ठीक है। सावधान, नाजायज संबंध है, लड़की माँ बनने वाली है। इस संबंध को जो माने उसके लिए पैसे और जो ना माने उसके लिए मौत। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम दोनों ने जो भी बातें कही हैं और जो प्लान तुम दोनों बना रहे थे वो सब मैंने इस वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है। मैंने भी रिकॉर्ड किया है। तुम कौन हो? फिल्म यूनिट। जो मैंने रिकॉर्ड किया है वो तुमने भी रिकॉर्ड किया? लगता है ये बिजनेस आजकल बहुत चल रहा है। अच्छा, पहले तो तुम हमें डिस्टर्ब कर रहे हो और ऊपर से बहस कर रहे हो। बहस नहीं चाहिए, ओनली बिजनेस। जो भी पैसे मुझे इन दोनों को ब्लैकमेल करके मिलेंगे वो हम दोनों आपस में बांट लेंगे। बांटना क्या है, आप पूरा रख लो। ठीक है, मेरे लिए तो अच्छा ही है। स्टार्ट कैमरा, रोलिंग, एक्शन। मुझे मार क्यों रहे हो? ए, सीरियल बनाना कितना मुश्किल काम है और मेगा सीरियल बनाना और मुश्किल काम है, और तुम यहाँ आकर रिकॉर्ड कर रहे हो? अच्छा, इसका मतलब आप सीरियल की शूटिंग कर रहे हो यहाँ? तो इस सीरियल में तो सब कुछ नाजायज है। नाजायज रिश्ते में तो मजा आता है। मतलब सीरियल की हीरोइन लता को ट्विंस नहीं होने वाले हैं क्या? असिस्टेंट समझाओ इसको यार।
बताता हूँ, अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये सच है कि लता और आनंद का नाजायज संबंध है। लता के पति राजेश को ये मालूम नहीं है। राजेश? लेकिन राजेश और वसंती एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा। वसंती जो है ना, आनंद की प्रेमिका है। अच्छा। राज उससे मोहब्बत करता है, लेकिन एक तरफा। एक तरफा मोहब्बत? पर वसंती आनंद और रेवती के नाजायज संबंध को नहीं जानती। नाजायज संबंध उसे क्या? अरे ये सब सुन के तो मेरा दिमाग हिल गया है। किसका संबंध किसके साथ है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं बताता हूं तुझे। राजेश और लता का एक बच्चा है, लेकिन उस बच्चे का बाप है आनंद। आनंद और वसंती का भी एक बच्चा है, और उस बच्चे का बाप है नटराज। नटराज और गीता का भी एक बच्चा है, और उस बच्चे का बाप है राजेश। सही, सही। और ये सब हर रोज ऐसे ही चलता है। रेवती का क्या होगा? वही तो आता है इस कहानी। अच्छा, का ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट भी है। हाँ। रेवती एक टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म देती है। टेस्ट ट्यूब बेबी। और अब ये टेस्ट ट्यूब बेबी धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है। में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो? बीच में मत बोलो। अब ये सभी बच्चे बड़े होने के बाद अपने असली माँ बाप को ढूंढने निकलते हैं। निकलते हैं। हाँ भाई, और इस कहानी की शूटिंग हम अगले साल करेंगे। अगले साल शूट करेंगे? हाँ। ये तो छाज भी कभी दही थी कि कहानी है मेरे भाई। दही से मुझे एक कहानी याद आई। वो क्या? सिंधबाद और लैला के नाजायज रिश्तों पर एक कहानी बन सकती है। सिंधबाद और लैला के नाजायज संबंध पर कहानी? ये सुनकर चक्कर आ गया, बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी सीरियल नहीं देखूंगा। डार्लिंग, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों होगी? तुमने मुझे इस घर की महारानी बनाया है। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, मेरा ध्यान रखते हो, मेरी हर इच्छा पूरी करते हो, मेरी हर बात मानते हो। मैं कहीं भी आती जाती हूँ, तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम मुझसे कभी कुछ पूछते ही नहीं। इतनी आजादी, इतना प्यार, एक औरत को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? कोई बेवकूफी होगी जिसे ये सब नहीं पसंद। सच कहूँ तो मैंने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। आई एम रियली वेरी हैप्पी हियर। ठीक है, ठीक है, रिलैक्स, शांत हो जाओ, बस पूछ रहा था। रिलैक्स, रिलैक्स। ये कुछ छुपा रही है मुझसे। She is in trouble. हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, मेरी नजर है इस केस पर, मैं खुद देख रहा हूँ। हाँ हाँ, परेशान होने की कोई बात नहीं है। कैसे कुछ पता चलेगा तुम्हें बताता हूँ। मुझे दूसरा फोन आ रहा है, रखो रखो। ठीक है, हेलो। हाँ बोलिए सर। अच्छा ही लिखिएगा हमारे बारे में, हमारी एजेंसी नंबर वन पर है, ये लिखिएगा। थैंक यू भाई, बहुत ही अच्छी कवर स्टोरी होनी चाहिए। हाँ जानता हूँ, ठीक है, ठीक है, ओके, सॉरी मैं एक मीटिंग में हूँ। हाँ ठीक है, थैंक यू। मॉर्निंग। तुम बहुत लकी हो मेरे लिए। जब से तुमने मेरी कंपनी का उद्घाटन किया है, मेरी कंपनी यहाँ की नंबर वन एजेंसी मानी जाती है। पुलिस डिपार्टमेंट भी कभी कभी जानकारी हासिल करने के लिए हमसे मदद मांगती है। लोग मुझे पहचानने लग गए हैं। पर शिवा, तुम्हारे गेस्ट हाउस में तो हमेशा काफी रौनक होती है यार, पर आज तो यहाँ कोई नहीं है। कोई प्रॉब्लम है क्या? शिवा, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, हम साथ में पढ़े हैं, मुझे बताओ बात क्या है। भरोसा रखो मुझ पर, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। बताओ मुझे किस पर नजर रखनी है? मेरी वाइफ पर। मैं उस पर नजर रखने को कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। वो मेरी वाइफ है, मेरी अर्धांगिनी। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। अगर उसके बारे में कुछ भी गलत सुना तो शायद मैं मर जाऊंगा। वो कभी गलत कर नहीं सकती, शायद वो किसी तरह से मुसीबत में है। मुझे उसे मुसीबत से निकालना होगा। जब एक औरत किसी आदमी को हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी में अपने पास बैठाए, तो जायज उसका पति उस पर शक करेगा। पर मैंने अपनी पत्नी पर शक नहीं किया। क्या दिल से मोहब्बत करना काफी नहीं, जिस्मानी होना जरूरी है? नहीं नहीं, मेरी रूपा ऐसा नहीं कर सकती। चाहे हालात कैसे भी हो, मैं ये बात नहीं मान सकता। हे, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारे केस पर खुद काम करूंगा, ठीक है? तुम अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दो और जाकर आराम करो। मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसे मुझ पर शक हो गया है। ये तुम्हारा भ्रम है, मैं तुम्हारे पति को जानता हूँ, मुझ पर शक नहीं कर सकता। But he doubts me. तुम्हें क्या करना चाहिए सुनो। कम। तुम्हें मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही क्या? तुम मेरे प्यार को ठुकरा क्यों रही हो? ये कोई प्यार व्यार नहीं है। जो समझना है समझो, पर मुझे तुम्हारी जरूरत है।
हेलो, किससे बात करनी है आपको? नमस्ते मैडम, सब ठीक ठाक है ना? जो भी चाहिए मिल तो गया है, बार बार मुझे फोन करके परेशान क्यों करते रहते हो? मेरी जान शरण्या, मुझे बहुत याद आ रही है, उसे मिलने का मन कर रहा था। मैं तुम्हें एजेंट लगती हूँ क्या? इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने ही तो हमको मिलवाया ना, अभी फिर से मिलवाने में क्या टेंशन है जानू? तुमको असली टेंशन तब होगी जब मिलने की जगह बताऊंगा। और कहीं नहीं मिलना, तुम्हारे घर में मिलूंगा उससे। अब तो उसे खत्म ही कर देना चाहिए। तुम तो रहने ही दो, तुम्हारे उस प्लान की वजह से आज तक मुसीबत झेल रही हूँ, मैं खुद संभाल लूंगी। बताओ कब मिलना है तुम्हें? शाबाश। तुम मेरे कमरे में जाकर वो नई वाली क्रीम ले आओगी प्लीज? हे भगवान, मेरी माँ नीचे ही है। तुम घर चली जाओ, मैं सरन्या को घर छोड़ दूँगी। ठीक है मैडम। हमारा मिलना सच था और हमारा प्यार भी। जब तक ये नहीं सुनूंगा यहाँ से नहीं जाऊंगा। अपने दिल पर हाथ रख कर बोलो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? जल्दी करो, छुप जाओ, मेरा पति आ गया है, तुम्हें देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। बाहर मत आना, छुप जाओ। इधर आओ, अब चलो। इस वक्त घर कैसे? लैपटॉप भूल गया था जान। तुमने कहा था योगा करने से इंसान कुछ भूलता नहीं है। योगा का पावर कम पड़ गया, मेंटल टेंशन बढ़ गया ना। थोड़ा कम काम करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुम बेडरूम में फेशियल क्यों नहीं करवा रही? एसी काम नहीं कर रहा है इसलिए यहाँ आकर करवा रही हूँ। See you darling. Bye bye. I'm sorry. क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? क्या है ये सब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके हस्बैंड के आने पर तुम्हें अंदर क्यों भेज दिया? तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? तुम उसके प्रेमी हो क्या? सच नहीं बताओगे तो मैं यही समझूंगी। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? शादी करना चाहते हो ना मुझसे? तो मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। ओके, सब कुछ बता रहा हूं, सुन ले। बहुत बुरा हुआ, एक औरत को तुमने इतना सताया। उसके सबूत, वो सारी टेप्स और सारी तस्वीरें एक लिफाफे में डालकर और उसके नाम एक खत लिख दो और उसमें लिखो कि तुम उसे दोबारा परेशान नहीं करोगे और वो खत उसे देकर आओ, उसके बाद ही मैं कुछ सोचूंगी। मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते, पैसे और प्यार के बीच में हमेशा पैसा ही जीतता है और तुम्हारा तो सपना भी यही है कि तुम बहुत पैसे वाले बनो। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर पैसा चाहिए तो प्यार को भूल जाओ और प्यार चाहिए तो पैसा भूल जाओ। बहुत अच्छे, जानता था तो गुरु घंटाल है। पकड़ेगा ना बेटा? चल बता इसमें क्या है? बेटा जिस पानी में जिंदगी भर नहाया उसी में तू पाप कर रहा है। इसमें लता मंगेशकर के गाने तो हो नहीं सकते, बता बेटा इसमें है क्या? मुझे दे। एक हाथ पड़ेगा ना, इस टेप से भी दो सुर ऊंचा गाएगा। जल्दी मत कर, अपन मांडवाली कर लेते हैं।
कैसी मांड वाली? रूपा मैडम, ये आपके लिए। आपकी जिंदगी में दोबारा कभी दखल नहीं दूंगा। मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मणि, ये वीडियो में से निकाले फोटोज और ये टेप। मैंने तुम्हें लाखों रुपए दिए, डराया, धमकाया, मिन्नतें की, पिटवाया भी, फिर भी तुमने मुझे ये टेप्स वापस नहीं दिए। लेकिन इस लड़की के कहने पर मान गए। मतलब पैसों से ज्यादा प्यार में ताकत होती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सरन्या, तुमने मुझे मेरी खोई हुई जिंदगी वापस लौटा दी है। मैं इस बात को जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें जो चाहिए दिल खोल कर मांग लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए मैडम। जितने भी लोग हैं वो सब अमीर बनने का सपना देखते हैं। इन सब लोगों को गाड़ी चाहिए, घर चाहिए। जिसके पास साइकिल है उसे स्कूटर चाहिए, स्कूटर वाले को कार चाहिए। सबके अलग अलग सपने होते हैं। वहाँ उस आदमी को देखो, सुबह से रात तक मेहनत करने के बाद सिर्फ 100 रुपए कमाता है। वो भी यही सपना देखता है कि वो एक दिन बहुत पैसे वाला बनेगा, एक अमीर जादे की जिंदगी जिएगा। चलो उतरो। इस तरफ कुछ 100 दुकानें होंगी और इस तरफ भी उतनी ही दुकानें होंगी। तुम किसी भी एक दुकान में चले जाओ, कम से कम तुम्हें 1000 रुपए वाली नौकरी मिल ही जाएगी। इतने तो लायक हो तुम। सब कोई काम मिलेगा? कितने तक पढ़े हो तुम? 6ठी तक। नहीं, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। तुम सब अपने घर जाओ। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ भाई? बस अब मैं एक आम आदमी की जिंदगी जीना चाहता हूँ यार। क्या हुआ? मस्ती की जिंदगी हाथ से चली गई, इस बात का दुख हो रहा है क्या? मणि, तू चाहे 5 स्टार का खाना खा या स्टेशन के पास की थाली खाओ, तुम अब यहाँ बदल गए हो। दोस्तों चलो सामान बांधो, घर चलते हैं। आज अपनी प्यास मिटा कर ही रहूंगा, देखता हूँ कैसे बचती हो। Hey! आखिर क्या हो गया तुम्हें? I love you so much. But I don't love you. तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो। लेकिन मुझे तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं है। बस एक बार, एक आखिरी बार, please. नहीं। Please. नहीं। छोड़ो। नहीं, नहीं। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। जो हो रहा है होने दो। मैं अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अगर मुझे मना करोगी तो समझ जाओ वो टेप अब मेरे पास है। वो देखा मैंने, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। अगर मैंने उस वीडियो से अपना चेहरा हटा दिया और उसे नेट पर डाल दिया तो तुम्हारा पति खुदकुशी कर लेगा। ये सब बताने के लिए शुक्रिया। अब मुझे समझ में आया कि जब किसी का भरोसा तोड़ते हैं तो कैसा लगता है। सर कोई काम मिलेगा क्या? पूरे दिन तुम्हें साइकिल चलानी पड़ेगी, कर लोगे? रात भर भी चलाऊंगा सर। कितने पैसे लोगे? 1000 रुपया दे देंगे, चलेगा। ये क्या, मुझे लगता है ये भी सुधर गया है, नौकरी ढूंढने निकला है। अगर इसकी संगत में रहा तो मुझे भी अच्छा बनना पड़ेगा। महीना भर काम करो और 1000 रुपया पाओ। थैंक यू सर। ठीक है, जाओ। मुझे बहुत खुशी हो रही है मनी। हाँ मुझे भी। ये 1000 रुपए
मेरे लिए 1,00,000 से कम नहीं। कौन है तू? क्या कर रहा है? छोड़ो उसे। तू हट जा, मैं लूंगी तेरी। साले कमीने, इश्क लड़ा के लिए मेरी बेटी मिली थी। माँ, क्या कर रही? माँ, मेरी बेटी किसी रईस के साथ शादी करेगी? तेरी औकात क्या है? तेरी बेटी का बॉयफ्रेंड 1,000 रुपए की नौकरी करने वाला भिखारी है तू। क्यों, तुम लालची हो क्या? हाँ हाँ, पैसा ही सब कुछ है। तुम चाहते हो कि मेरी बेटी तुम्हारी तरह भीख मांगती फिरे? कितना पैसा चाहिए? हाँ, 1,00,000 लेकर आ सकते हैं? ले आया तो? पहले लेकर आ, फिर बात करना। चल तू, घर चल। माँ, तुझे भी यही मिला था, नालायक कहीं की। चल यहाँ से, तुझे घर पे बताती हूँ। हाँ कौन? क्या मैडम, इतनी जल्दी मेरी आवाज भूल गई? अब क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा आदमी बनके एक ईमानदार की जिंदगी जीने के लिए 1,000 रुपया कमाया था मैडम, मगर ये दुनिया सिर्फ पैसे को सलाम करती है। 1,00,000 रुपए कमा कर लेकर आओ, उसके बाद देखेंगे। ऐसा शरण्या की माँ ने बोला। 1,00,000 रुपए उधार देंगी तो महीने महीने करके चुका दूंगा आपके पैसे। तो फिर से बेईमानी शुरू कर दी? मैं 1 पैसा नहीं दूंगी। धमकी दे के पैसे मांगे तो भर भर के पैसे दिए, आज शराफत से उधार मांग रहा हूँ तो 1 पैसा देने को तैयार नहीं। अगर दोबारा मुझे फोन किया तो मैं पुलिस को फोन करूंगी। जानता हूँ बे, ऐसा ही बोलेगी, जानता था। इसी भरोसे की वजह से 30-40 कॉपी बना के रखी है तेरे वीडियो की। क्या रही, हवा टाइट हो गई? अब मेरे पास पड़ी वीडियो की कॉपीज देख के मानेगी? पैसा लेकर आ और खुद आके गिन ले कितनी कॉपी बनाई है मैंने। मिनी डीवी टेप मिलेगी क्या? मिलेगी ना सर, ये देखो। ऐसी 30 टेप मिलेंगी? मिलेगी। हो गई तसल्ली, चलो पैसे निकाल। ये खाली आपको दिखाने के लिए लाया था, एक आध कॉपी चाहिए तो ले जाओ। यहाँ क्यों आया? 1,00,000 रुपया तेरी माँ के मुंह पे मार के तुझे लेके जाने आया। कहाँ से आए इतने पैसे? बाहर गाँव में नौकरी लगी है, ये उसी का एडवांस मिला है। सच कह रहे हो ना? अरे तेरे सर की कसम। आ, ये पैसे मेरी माँ को दो। 10,00,000 भी दोगे तो ये तुम्हारी नहीं हो सकती, अभी कमिश्नर को बताती हूँ। चलो जाओ यहाँ से, जाओ अब जाओ जाओ। कहिए क्या बात है? वो लड़का जो उस दिन आपके घर आया था, अब वो मेरी बेटी के पीछे पड़ गया है। वो आकर कहने लगा कि उसे मेरी बेटी चाहिए। इतने सालों से मैं आपके सास की सेवा कर रही हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को उस लड़के से बचाइए, बचा लीजिए उसे, मैं भीख मांगती हूँ आपसे। रोना बंद कीजिए। हेलो, सुनो गोविंद, G4 पुलिस स्टेशन के इंचार्ज से कहो मुझसे बात करे। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी साहब। इंस्पेक्टर रामानुज बोल रहा हूँ सर। वो हीरो है ना तुम्हारा भांजा, उससे कहो 24 घंटे के अंदर ये शहर छोड़ सर। दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें भी यहाँ से ट्रांसफर करा दूंगा, ये मेरा ऑर्डर है। ओके सर। ऐसा क्या किया तुमने जो 24 घंटे के अंदर जॉइंट कमिश्नर ने तुम्हें यह शहर छोड़कर जाने को कहा? जब भी तुमने बताने की कोशिश की मैंने तुम्हें रोका, अब बताओ
मैं चला जाता हूँ मामा। ज्यादा प्यार भी गलत है और ज्यादा नफरत भी गलत है, ये बात जानते हो ना बेटा? मैं चला जाऊंगा मामा। अपने पिता की वजह से तुमने गलत रास्ता अपनाया, क्या अपने मामा के लिए तुम लायक बन सकते हो? मैं गांव चला जाता हूँ मामा। ये हमारी फाइनल सेटलमेंट है, आज के बाद तंग नहीं करूंगा। अब मैं अपने गांव जा रहा हूँ, 5 बजे तक का टाइम देता हूँ। मैं तुम्हें एक पैसा नहीं देने वाली। हाँ तो एक मिनट, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे लेकिन कब और कहाँ मिलेंगे ये मैं तय करूंगा। क्या हुआ? जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ तुम सह नहीं पाओगे। सच हमेशा कड़वा होता है। तुम्हारी पत्नी का अफेयर चल रहा है। नो! नहीं मान सकता। कह दो कि ये झूठ, झूठ बोल रहे हो तुम। खुद ही सबूत देख लो, इसमें उनकी तस्वीरें हैं। संभालो अपने आपको। एक लड़का आएगा, इस बैग में 50 लाख रुपए हैं, उसे दे देना और कहना कि बाकी के 50 उसे कल मिलेंगे। पैसा लेकर वो एयरपोर्ट जाएगा, इससे पहले कि वो एयरपोर्ट पहुंचे उसे वहीं खत्म कर देना, जिंदा नहीं बचना चाहिए। आपका काम हो जाएगा। कल सुबह 10 बजे की फ्लाइट है, घर से टाइम पे निकल जाना। जैसा मैंने समझाया था वैसे अपनी माँ के खाने में नींद की दवाई मिला देना। तुम्हारे निकलने के बाद अगर वो जाग गई तो पुलिस कमिश्नर को बता देगी, फिर हम एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हो जाएंगे। ध्यान रखना पड़ेगा, एयरपोर्ट पहुँचते ही बोर्डिंग पास लेकर मेरा इंतजार करना। मैं जल्दी पहुँच भी गया तो फ्लाइट निकलने से थोड़ी देर पहले ही फ्लाइट में बैठूंगा। इसमें 2 टिकट है, अगर मुझे देर हो भी गई तो घबराना मत, मेरा इंतजार करना। जाओ ठंडा लेकर आओ। तुम मुझसे मिलना चाहते थे? बात क्या है दोस्त? मेरी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं उसे अच्छे से जानता हूं, वो ऐसे किस्म की लड़की नहीं है। फोटोग्राफ्स को देखो। तो गया ये, मुझे क्या करना चाहिए? देखो शिवराज, तुम्हारा एक स्टेटस है, एक प्यारा सा बेटा है, कोई गलत फैसला मत लेना। नहीं लूंगा। I should punish. उसे जरूर सजा दूंगा। सजा देना है तो इसे दो ना। अपने चिकनी चुपड़ी बातों से रूपा को फंसाया। We should kill him. अगर मेरा बस चले तो मैं इस कमीने को मार दूं। I should kill that bastard. I should kill you. नीचे रखी तस्वीरें तुमने देखी नहीं? जिस दोस्त पर तुमने भरोसा किया उसे अपने बेडरूम तक आने दिया, उसने ही तुम्हें धोखा दिया। इन दोनों के संबंध के बारे में मनी को पता चल गया था। मैंने तुम्हारी इजाजत से तुम्हारे बेडरूम में कैमरे लगाए और उस कैमरे से मुझे ये सारी तस्वीरें मिली। मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, इसे देखो। अरे अगर मुझे मना करोगी तो समझ जाओ वो टेप मेरे पास है। अगर मैंने उस वीडियो से अपना चेहरा हटा दिया और उसे नेट पर डाल दिया तो तुम्हारा पति खुदकुशी कर लेगा। मैं अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मुझे ये रमेश का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लगता। वो मेरा 20 साल पुराना दोस्त है, उसने इस घर को बनाने के लिए रात दिन मेहनत की है, उस पर शक मत करो डार्लिंग प्लीज। Oh.
आप चले जाइए सर, आप जाइए, मैं ये इल्जाम अपने सर पे ले लूंगा, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, मैं उसे देख लूंगा सर। आप जाइए, जितने पैसे आपने मुझे दिए उतने जिंदगी में मैंने नहीं देखे, मेरा परिवार आराम से जिलेगा सर। कोर्ट ने इसे मारने की वजह पूछी तो सर, तो मैं कह दूंगा ये मुझे बुरे काम करने के लिए मजबूर कर रहा था, इसीलिए मैंने इसे मार दिया सर। आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। आप जाइए सर यहां से, आप जाइए, मैं देख लूंगा। मैंने तुम्हें बचा लिया डार्लिंग, गलती मेरी थी कि मैंने उस कमीने को हमारे बेडरूम तक आने दिया, गलती मेरी थी कि मैंने उसे तुम्हारे करीब आने दिया, मैं गलत था। पैसों के लालच में मैंने तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिताया, गलती मेरी थी, मुझे माफ कर दो डार्लिंग, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। सर हमें डेड बॉडी की खबर इसी बिल्डिंग की छत से मिली है। जॉइंट कमिश्नर आ रहे हैं, मैं देख कर आता हूं। गुड मॉर्निंग सर। बात क्या है? अरे पानी की टंकी में बॉडी मिली है, आइए आइए। ए, 50-100 रुपए देकर मुझे लालच दे रहा है तू? हाँ, जिस दिन पानी में घुसवा के तूने मुझे लोगों से कुत्ते की तरह मार खिलवाई थी, उसी तरह तू भी मार खाएगा इस टेप की वजह से। क्या कर लेगा रे तू? ये टेप तेरे पुलिस वाले मामा को दे दूंगा, अब वही पता लगाएंगे इसमें क्या है। ए, 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 मेरे मामा जी मेरे लिए सब कुछ है, उनको ये टेप मत दिखाना। वो सब कुछ है? फिर तो मामा को पता चलना चाहिए कि भांजे ने क्या गुल खिलाया। प्यार से समझा रहा हूँ, मत कर। ना मैं धमकी से डरता हूँ, ना बमकी से डरता हूँ, ये टेप मामा को दूंगा। सर बॉडी सड़ चुकी है। इलेक्शन का वक्त है, मीडिया वाले तमाशा कर सकते हैं। yes, सावधानी से पूछताछ करना। कितनी बार समझाया उसे कि टंकी के पानी में मत नहा, पर बात ही नहीं मानता था, जानबूझ के करता था वो। किसी ने उसे मारा नहीं सर, पानी में सांस नहीं ले पाया तो मर गया। सभी कह रहे हैं ये एक एक्सीडेंट था, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। एक एक करके सबसे पूछताछ करो और इसकी रिपोर्ट जल्दी दो। ओके सर। कहाँ जा रहे हो? टाइम हो गया, मैं निकल रहा हूँ। रुक जाओ बेटा, तुम्हारे नहीं, मामा देर हो को जाएगी, आने आप मामा जी से बोल देना। कोई बाहर जाने की कोशिश करे तो उसे जाने मत देना। कौन हो तुम, कौन से फ्लैट में रहते हो? सर ये इंस्पेक्टर रामानुज का भांजा। अच्छा, आइए आइए आइए। ऑटो एयरपोर्ट जाएगा? हाँ बैठो साहब। इसमें 50 लाख हैं, बाकी के 50 लाख कल मिल जाएंगे।
थैंक यू सर, आपका पासपोर्ट प्लीज। मेरे आने तक यहीं पर रुकना। ये रहा आपका बोर्डिंग पास और ये आपका पासपोर्ट। थैंक यू मैम। ए भाई सुनो, ए भाई, ए, ए सुनो भाई सुनो, रुकना। कहाँ जा रहे हो? ए कहाँ जा रहे हो? सुनो तो, ए भाई, रह गया? ए शाड़े, 50 लाख तो ले ले। ए, ए रुकना। जा रहा है शाड़े, ए रुक रे। कहाँ जा रहा है? ए रुक, ए रुकना। ए पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। उड़ने के लिए तैयार है मैम, जल्दी बोर्डिंग कीजिए। अरे देखो हमारा भैया आ गया, हमारा नेता जी, हमारा नेता जिंदाबाद, 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 हमारा नेता जिंदाबाद। हमारा नेता जिंदाबाद।
एक्सक्यूज मी मैम, फ्लाइट की बोर्डिंग कंप्लीट हो गई है, बस आप ही एक लास्ट पैसेंजर है, जल्दी कीजिए मैम प्लीज। मेरी दौलत में से 1-2 करोड़ तूने ऐंठ लिया उसका मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन अगर मेरे घर की इज्जत पर कोई हाथ डालेगा उसे मिटा दूंगा।